हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आज के हमारे नए वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि बाउल में मछलियां क्यों मर जाती हैं, कौन सा रीज़न होता है जिसके कारण बाउल में फिशेस की डेथ हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले बाउल में हम बात कर लें कि बाउल में मछलियाँ रखना कैसा है। तो बाउल में आप वही फिशेस रख सकते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन की चल जाती हैं, तब तो ठीक है, लेकिन कुछ मछलियाँ आप ऐसी रखते हैं जो बिना ऑक्सीजन की नहीं चल पाती हैं, तो मछलियों की डेथ हो जाती है। जैसे अगर हम बात कर लें गोल्ड फिश की, तो अक्सर हमने देखा है कि लोग बाउल में गोल्ड फिश ही रखते हैं, क्योंकि गोल्ड फिश देखने में थोड़ा सुंदर ज़्यादा लगती है। लेकिन गोल्ड फिश बाउल की फिशेस नहीं है, इसको चाहिए ऑक्सीजन, और बाउल में ऑक्सीजन कोई लगाता नहीं है, जिसके कारण मछलियों की डेथ हो जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि छोटा सा बाउल होता है, जैसे मान लीजिए ये 8 इंच का बाउल है, इसमें 5-7 पीस रख सकते हैं। मुश्किल से अगर गोल्ड फिश आप रखना चाहते हैं तो सिंगल पीस इसमें रख सकते हैं, उसके अलावा 2 मछली भी साथ में नहीं रख सकते हैं। कुछ मछलियाँ होती हैं जो बाउल में सर्वाइव करती हैं, जैसे कि आपकी बेटा फिश हो गई, मौली, गप्पी, शॉर्टटेल, इस तरीके की फिशेज जो होती हैं सर्वाइव करती हैं। तो हम अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले बता दें कि मछलियाँ क्यों मरती हैं। जैसे बाउल हो गया, इसमें आप क्वांटिटी से ज़्यादा, जैसे 1-2 मछली आप रखने के लिए बाउल है, आप 5-7 पीस रख देते हैं, 4 पीस रख देते हैं, जिसके कारण मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उतना स्पेस नहीं मिल पाता है, घुटन महसूस करने की वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि आप जब फिश को फूड देते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी मछलियाँ कितनी फूड खाएंगी। तो आप जैसे एक चुटकी खाना डाल दिए, मछलियाँ नहीं खाई, उसके बाद में वही खाना जो है ऊपर तैरता रहता है, बाद में वही फूड जो है सड़ के नीचे चला जाता है। फूड इन्फेक्शन होने की वजह से पानी पूरा धुंधला हो जाता है और आपकी मछलियों की डेथ हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको पता नहीं है कौन सी फाइटर फिश है, कौन सी नॉन फाइटर फिश है, 2 मछली आप साथ में रख देते हैं, तब भी मछलियों की डेथ हो जाती है। जैसे अभी हमारे पास गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश इसमें हमने 5 फिश रखी है, वो आपको दिखाने के लिए, जिससे कि वीडियो में फिशेस दिखाई दें। इतनी क्वांटिटी में आप फिश को घर पे नहीं रख सकते हैं, जैसे इसमें एक सिंगल बेटा फिश है, सिंगल बेटा फिश आप रख सकते हैं। इसमें इतनी 6 इंच का बाउल है, इसमें आप 2-3 शॉर्टटेल, 1 मौली फिश आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये 12 इंच का बाउल है, तो इसमें आप 5-7 फिश छोटी फिशेस रख सकते हैं, गप्पी, मौली, शॉर्टटेल, बेटा फिश मिला के। तो इसमें आप ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर भी लगेगा और मछलियाँ भी अच्छे से एक्वेरियम में सर्वाइव करेंगी। तो इस तरीके से अगर आप बाउल में फिशेस रखेंगे जो विदाउट ऑक्सीजन की चलती हों, जैसे आपकी बेटा फिश हो गई, मौली फिश, गप्पी फिश, शॉर्टटेल फिश, टाइगर बार, ब्रोजी बार, जो छोटी फिशेस होती हैं, टेट्रा फिशेस, उसको आप अपने बाउल में रखेंगे तो सर्वाइव करेंगी। अदरवाइज विदाउट ऑक्सीजन की आप रखेंगे, जैसे आपकी गोल्ड फिश हो गई, ब्लैक मोर, रेड कैप, सुभांगी फिश, कॉर्क फिश, चिकलेट पैरेट, ये सब फिशेस आप रखेंगे तो मछलियों की डेथ हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।